Hello class 9th, hope you all are fine and safe. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. हमने उसके इंट्रो में देखा था दैट किंग लुईस 16 को फ्रेंच का थ्रोन मिलता है, बट उसके साथ उन्हें मिलता है एक एम्प्टी ट्रेजर. हमने उसमें उसका रीज़न नहीं पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्यों मिला था एम्प्टी ट्रेजर और उसके 6 रीजंस. तो फर्स्ट रीज़न वॉज क्योंकि फ्रेंच एक बहुत बड़ा देश था, एक बड़ा राज्य था, तो उसकी वजह से वो बहुत वॉर्स में इंगेज रहता था, जिसकी वजह से उसके जो रिसोर्सेज हैं वो वॉर में चले जाते थे. कैसे? तो आर्मी को मेंटेन करना, ट्रुप्स को मेंटेन करना, उनका खाना और इन सब में लगता था पैसा जो जाता था राजा के खजाने से. इस वजह से खजाना कम हुआ. मूविंग ऑन टू अवर सेकेंड रीज़न था राजा का पैलेस ऑफ वर्साइल. वो बहुत ही बड़ा, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट पैलेस था. उसे मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होता था वो भी राजा के खजाने से जाता था, क्योंकि उनका जो कोर्ट और जो आलीशान चीज़ें हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए ज़्यादा पैसा लगता है. ज़्यादा पैसा अगेन गोइंग आउट इट फ्रॉम दैट ट्रेजर, जिसकी वजह से ट्रेजर कम हुआ. थर्ड रीज़न था कि किंग लुईस 16, दैट मीन्स फ्रेंच, और अमेरिका का एक कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अंडर में थी अमेरिका की 13 कॉलोनीज. किंग लुईस 16 ने उन 13 कॉलोनीज़ को फ्री कराने के लिए अमेरिका की हेल्प करी और ब्रिटेन से वॉर करा. तो वॉर में अगेन राजा को लगे 2 बिलियन लिवरेज. दैट मीन्स उन 2 बिलियन लिवरेज का अमाउंट जो था वो वॉर में लगा. और ये अमाउंट कहाँ से आया? खजाने में इतना पैसा नहीं था, तो राजा ने ये लिया लोन. दैट मीन्स कि 2 बिलियन लिवरे का लोन जो था वो खजाने में से और चला गया. तो ये लिवरे हैं क्या? जैसे इंडिया की करेंसी है इंडियन रुपीस, वैसे ही उस टाइम फ्रेंच की करेंसी थी लिवरे. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. नाउ द नेक्स्ट 3 रीजंस वी विल लर्न दैम इन अवर